यूक्रेन वॉर के 192 दिन रूस हुआ और आक्रामक। डोनेट्स रीजन में रूसी सेना ने 3 मिसाइलें दागी। मिसाइल अटैक में कई लोगों की मौत, कई जख्मी। डोनेट्स मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने रूसी हमले की पुष्टि की। दूसरी तरफ ये सब चलता ही जा रहा है पीके श्रीवास्तव सर। ये देखिए, ये तो रशिया की सोची समझी रणनीति अभी ये लगती है कि हम इनको थका देंगे। वो आप कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा, दौड़ा दौड़ा के थका देंगे। लेकिन जो काउंटर ऑफेंसिव की बात हो रही है कि यूक्रेन ये कह रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव करेंगे और जो इलाके रशिया ने हमसे लिए हैं उनको हम वापस गेन बैक करेंगे, ये अगर इस तरह की आवाज़ आती रहेगी जिसमें डिप्लोमेसी वाली कोई बात उठ नहीं रही है, अगर जब इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही है, इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जैसे अभी उन्होंने कहा था, वो सीमेंस है जो कंपनी रिपेयर करती है उस इक्विपमेंट को, सीमेंस ने कहा हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं, तो सेलेक्टिवली आप सैंक्शंस हटा देंगे और सेलेक्टिवली आप सैंक्शंस लगा देंगे। तो अब ये खुल के सामने बात आ रही है कि ये सैंक्शंस बाकी देशों के लिए हैं, लेकिन अगर कोई विपदा या आपदा वेस्टर्न कंट्रीज में आती है तो सैंक्शंस हट सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज की, खासतौर से अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज की। हिपोक्रेसी यहां एक्सपोज हो रही है कि हैं ये सैंक्शंस, बट यू शो मी द मैन, यू शो मी द सिचुएशन एंड आई विल टेल यू द रूल। ये कर रहा है इस समय वेस्टर्न खेमा। ये अहम खबर भी देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 1 बंद होने से यूरोप में हाहाकार। यूरोप को झेलना पड़ सकता है बड़ा एनर्जी क्राइसिस। यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस पहुंचाने का जरिया है नॉर्ड स्ट्रीम 1। रूस के वीबर्ग से जर्मनी के क्रीप्सफॉल तक इसकी सप्लाई। नॉर्ड स्ट्रीम 2 तक की बात पहुंच गई थी और कहा नॉर्ड स्ट्रीम 1 से ही लाले पड़ गए, और अब वहां से सुधर कर वो संयंत्र आएगा या आ भी जाएगा तो अब शायद फिट नहीं होगा उतने अच्छे से, और कहा जाएगा कि अब इसके लिए जर्मनी से एक्सपर्ट चाहिए। आएंगे क्या? अब सिचुएशन तो वैसी ही बनती जा रही है। जरा देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 1, वीबर्ग, हेलसिंकी, क्रीप्सफॉल, ये किन किन जगहों से। ये है देखिए रूस का वो इलाका जहां से ये शुरू होती है, और यहां से शुरू होकर नॉर्ड स्ट्रीम 1 के सिलसिले में नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी आप जानते हैं कि लगभग ऑपरेशनल होने वाली थी और तभी ये युद्ध छिड़ गया। ये यहां से बाल्टिक सी से होते हुए ये यूरोप के लिए वो जरूरी ऊर्जा पहुंचाती है जिसके जरिए वहां लोगों का सर्वाइवल जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूरोप के देशों में ठंड के दिनों में हाल वो हो जाता है कि अगर इसके जरिए एनर्जी के जरिए वहां गर्मी ना, और जैसा आपको बता रहे थे अभी जनरल दत्ता कि वहां का जो हीटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से गैस डिपेंडेंट है, किसी और तरीके से अगर आपको फिर वहां पर घरों को गर्म करना है तो आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पर एक वो ओवरऑलिंग उस सिलसिले से आपको करनी पड़ेगी, और यहां पर आपकी गैस की सप्लाई जो पहले ही कम हो गई थी वो रुक गई, और इस हिसाब से अब एक तरीके से इस पूरे सिनेरियो में रूस ने अपनी बढ़त और आगे बना ली। लेकिन क्या यूरोप ने अपने आप को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया है? क्या अमेरिका, जिसने अपने हथियार बेचे हैं, अब कुछ अपनी और चीजें बेचेगा इस एनर्जी के विकल्प को तैयार करने के लिए? और क्या दुनिया उसके लिए, जितना हिस्सा आप मंगा रहे थे गैस का अपने कंजम्पशन के लिए, क्या उतना ऑल्टरनेटिवली कहीं और से आ सकता है? क्योंकि यह भी स्पष्ट है कि दिसंबर के बाद तेल भी रुकने वाला है। दिसंबर के पहले पहले यूरोप को तेल पर, क्योंकि ये तो गैस की बात कर रहे हैं, तेल के संदर्भ में भी अपना जुगाड़ करना है। क्या वो जुगाड़ हो जाएगा? यहां पर आप देख रहे हैं वो जो ये सिर्फ एक गैस पाइपलाइन नहीं है, ये वो धमनी है जो रक्त को दौड़ाती है शरीर में, जो यूरोप में जिंदगी को चलते रहने के लिए और वहां पर ब्लड को अपनी आर्टरीज में और वेन्स में बहने के लिए बहुत आवश्यक है। ये इसको आप एक धमनी या शिरा के तौर पर समझ सकते हैं, ये गैस पाइपलाइन नहीं है। अब जरा देखिए यहां से क्या होता है, 1200 किलोमीटर तक की ये दूरी, और ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। 170 मीट्रिक क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन इसके जरिए पहुंचाए जाने की व्यवस्था होती थी, और अब इसमें अगर समस्या आ गई है तो आप समझ लें, जहां पर एम्बिशंस ये थे कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के जरिए और गैस मंगाया करेंगे, वहां नॉर्ड स्ट्रीम 1 के जरिए जो गैस आ रही है उसी के लाले पड़ गए हैं। और अगर मैं इसको ये कह रहा हूं कि एक तरीके से लाइफलाइन है ये, गैस पाइपलाइन नहीं है, तो अब आप समझ लीजिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। रूस की गैस सप्लाई रुकने से क्या होगा? यूरोप में हाहाकार मचेगा। हालांकि इस बारे में मैं बात करूंगा कि विंटर अभी सेटल नहीं हुआ है, क्या उसके पहले इस इक्विपमेंट का खराब होना ये थोड़ा सा रूस के लिए ये पहले चीजें पीक कर गई है क्या?